कोई ऐसी वैसी मेमोरी टैबलेट्स नहीं है, इन्हें खाकर आपकी याददाश्त करेगी सब कुछ बर्दाश्त। इन पिल्स को जो खाएगा वो फिर गुनगान गाएगा। वाह वाह पावी जी, ओ क्या परफॉर्मेंस है, ओ वेरी गुड। हेलो हेलो, अरे हाँ तिवारी बोल, कैसा चल रहा है तेरा मेडिकल स्टोर? हाँ मेरा मेडिकल स्टोर तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि आप जिस कंपनी की मेमोरी पिल्स का ऐड करने वाले हो ना, वो बहुत खतरनाक है। क्या? और ब्रेन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। असर सीधा ब्रेन पे होता है? साधना जी, राधे राधे। राधे राधे। साधना जी, पिछले हफ्ते मैंने आपको मंदिर के मरम्मत के लिए एक लिस्ट दी थी। पता नहीं आजकल क्या हो गया पंडित जी, मैं तो छोटी छोटी बातें भूल जाती हूँ। मेमोरी किंग टेबलेट्स, ये टेबलेट्स ही आपकी परेशानी को सॉल्व करेगा। मैडम अगर ये रोज एक टेबलेट खाएंगी तो आपकी मेमोरी काफी इम्प्रूव कर देगी। ये लीजिए। अच्छा, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हमारे इस प्रोडक्ट की मॉडलिंग भी आप ही करें। मॉडलिंग? मैं? हमें हमेशा एक अनोखे मॉडल की जरूरत होती है। आप एक अच्छी महिला हैं, एक अच्छी होममेकर हैं। ये लीजिए भाभी जी, ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट, पूरे 50,000 है। ये रही आपकी डायलॉग की कॉपी। अच्छा? और इसकी शूटिंग हम आज शाम को आपके घर पर ही आकर करेंगे। आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। लीजिए, लाइए भाभी जी। थैंक यू। पर इसमें तो एक पुरुष मॉडल भी है। इस एड में हमें एक पति पत्नी को दिखाना है, इसलिए एक पुरुष मॉडल तो आपके साथ होंगे, और अगर आप चाहें तो वो पुरुष मॉडल आपके आपके पति भी हो सकते हैं। नो नो शर्मा जी, विज्ञापन डूइंग करेंगे। थैंक यू भाभी जी। मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको ये करना पड़ेगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? मेरा इस तरह की गोलियों में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है तो आपको करना पड़ेगा, और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, फिर तो मैं खुद की भी नहीं सुनती, और मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ। मुझे कॉलेज जाना है। हाँ गोपाल, तुम तो प्रसिद्ध हो जाओगे, अखबार में तुम्हारी भी फोटो छपेगी। क्या बाल गोपाल, एक तो मैं साधना को लेकर इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जानते हो मैं ये काम नहीं करना चाहता। तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपनी खुशी के लिए ना सही तो कम से कम साधना की खुशी के लिए। लेकिन बाल गोपाल, मुझे जब तक ये ना पता हो कि जिस चीज का मैं विज्ञापन कर रहा हूँ वो सही है या गलत, तो मैं लोगों से ये कैसे कह सकता हूँ कि वो ये मेमोरी बढ़ाने वाली दवाई खाएं? मैं ये गलत काम तो नहीं कर सकता ना। अच्छा सुनो, तुम्हारा एक दोस्त है ना जो दवाओं का काम करता है, तुम उससे कहो कि वो इस दवा के बारे में पता कर ले, उसके बाद क्या करना है तुम वो सुनो। चलो ठीक है, मैं वो ऐड करता तुम्हारे लिए। क्या सच? परीक्षा की रातें हो या व्यस्तता भरे दिन, याददाश्त की भूल भुलैया को यादों की बारात बनाने के लिए आज ही से लें किंग मेमोरी पिल। ओए गोपाल बाबू, ओ थोड़ा जान डालो यार है? और नहीं तो ऐसा लग रहा है कि आपके तोते उड़ गए है जी? गाली कोई नहीं, अगर जो आपके मेमोरी के उड़ गए तोते, तो आज से ही ना अभी से लेना शुरू कीजिए किंग्स मेमोरी पिल्स। बोले परीक्षा की रातें हो या व्यस्तता भरे दिन, याददाश्त की भूल भुलैया को यादों की बारात बनाने के लिए आज ही से लें किंग मेमोरी पिल। अरे पर तिवारी एक बात बताओ, अगर ये दवाइयां इतनी खतरनाक हैं, इतनी घातक हैं, तो इन पे रोक क्यों नहीं है? दवाई पर तो रोक नहीं है, लेकिन ऐड पर रोक है। तो फिर ये ऐड बन कैसे रहे? क्योंकि ऐसी दवाई बनाने वाले बहुत चालाक होते हैं। साधना, ये ऐड करना तो गैर कानूनी होगा। एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, किसका फोन था शर्मा जी? वो ही ऐड वालों का फोन था, अभी 2 घंटे में आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए। परीक्षा का दिन हो या व्यवस्था का दिन हो, रवि एड फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ। साधना जी आप खामखा उसे परेशान कर रहे हैं। रवि ये ऐड नहीं करेगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ शर्मा जी कि रवि ये ऐड नहीं कर सकता है।
क्योंकि ये एड तो आपको करना है। क्या हुआ गोपाल? देखो तुम अभी भी सोच लो कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है या नहीं है। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता, तुम्हारी वजह से तुम इस पूरे झमेले में फंसा हो और अब मदद करने की बात करते हो। हाँ तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा तैयार हो जाइए आप दोनों। आज जब जब तुम पर संकट आएगा तब तब तुम्हारी रक्षा करने उस संकट से बचाने मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। एक्शन। गोपाल ऐसे नहीं, ऐसे बोलो किंग मेमोरी पिल्स जो खाए वो पछताए। किंग मेमोरी पिल्स ये जो खाए वो पछताए, ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता नहीं बल्कि आपके दिमाग का बैंड बजा देता है। स्टॉप इट। आया तो मैं यहां एड शूट करने था लेकिन अब मैं आपको शूट करूंगा मिस्टर गोपाल शर्मा। अरे क्या गजब डा रहे हैं सर, थोड़ा शांति से काम लीजिए। अगर कुछ हो गया, गोली चल गई, लोग आ जाएंगे और हम सब फंस जाएंगे। दिमाग तेज करने की दवा बेचने वाले, अब देख मैं तेरे दिमाग का तक दिना दिन कैसे बजाता हूँ। हाँ तो मिस्टर मैं ऐसा क्यों, सारी बैन दवाइयां बनाता हूँ मैं, इस दवा में ड्रग मिली है, जो भी इसे एक बार खाता है उसे इसकी लत लग जाती है, मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ। अच्छा हुआ जो तुमने अपना गुनाह खुद से कबूल कर लिया, अगर नहीं करते तो मुझे करवाना पड़ता। हवलदार अरेस्ट हिम, अब इसका हिसाब किताब कानून करेगा। चला उसे। चला। पाल गोपाल ये लीला तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आई। गोपाल तुम्हें लगता था ना कि मैंने ही तुम्हें इस झमेले में फंसाया। हाँ गोपाल तो मैंने ये जानबूझ के किया था। समाज के दुश्मन जो दवाएं बनाते हैं और उसका प्रचार करके विद्यार्थियों को निभाते हैं वो पकड़े जाएं, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। बाल गोपाल तुम धन्य हो।